प्यारे बच्चों, वीडियो के इस पार्ट में हम लोग ट्रायंगल से रिलेटेड जो है थ्योरम को सॉल्व करेंगे। देखिए, इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको जनरल आइडिया ट्रायंगल के बारे में दे दिया था और उसमें आपको ये भी बताया गया था कि जो है अगले पार्ट में हम आपको सारे जो है थ्योरम्स और जो ट्रायंगल से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं वो सारा सॉल्व करके आपको वन बाय वन दिखाया जाएगा। देखिए, ये जो है बोर्ड पर एक थ्योरम जो है नोट है, इसको हम आज सॉल्व करेंगे। लेकिन सॉल्व करने के पहले जो है मैं चाहूंगा कि आप कुछ रूल जान लें। देखिए, एक्चुअल में ये सपोज करिए ट्रायंगल है, ये आपका एक ट्रायंगल है और ये एबीसी जो ट्रायंगल है, जरा ध्यान दीजिएगा, हमको इसका एरिया कैलकुलेट करना है। ट्रायंगल का एरिया क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखिए एक्चुअल में अगर हम एरिया ना भी लिखें तो आप लोग ट्रायंगल का एरिया समझिएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू, देखिए क्वेश्चन ये उठता है कि देखिए आप इसका ट्रायंगल का जो एरिया है बेस क्या लेते हैं, बेस पर ही डिपेंड करता है ट्रायंगल का एरिया जो है बेस पर, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं बेस इनटू हाइट अपॉन टू। बट बेस सपोज करिए अगर बेस आप बीसी लेते हैं तो बीसी इनटू, ध्यान दीजिए मेरी बात को, बेस बीसी पर इसके फ्रंट का जो वर्टेक्स है वहां से परपेंडिकुलर चाहिए। ध्यान दीजिए, इसका मतलब कंडीशन समझिए, जो भी बेस लेंगे आप उसके फ्रंट का वर्टेक्स से उस बेस पर परपेंडिकुलर चाहिए, ये कंडीशन है। कोई परपेंडिकुलर दूसरा नहीं लिया जाएगा। तो इसका मतलब बीसी के देखिए फ्रंट जो है वर्टेक्स ये है, तो यहां से हमने क्या कर दिया, एक परपेंडिकुलर डाल दिया। देखिए ये हो गया एडी, तो आपका एडी एडी बाय टू, बस ये आपका जो है एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी हो गया। बट इसी ट्राइंगल का एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल सुनिए, एबीसी अगर आपको लिखना है और सपोज करिए बेस एबी को लेना है, तो चलिए बेस एबी ले लीजिए, एबी इंटू इस बार आपको देखिए एबी के फ्रंट जो है, देखिए एबी के फ्रंट ट्रायंगल का जो है वर्टेक्स सी है, सी है, तो यहां से इसके ऊपर क्या करना पड़ेगा, आपको परपेंडिकुलर ड्रा करना पड़ेगा। तो देखिए इस परपेंडिकुलर को सपोज करिए हमने सी मान लिया, तो ये हो जाएगा सीई बाई टू। देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई जा रही है, बेस आप जिसको भी लेंगे, ध्यान रखिए बेस जिसको भी लेंगे, जिस भी साइड को लेंगे, आपका परपेंडिकुलर उस बेस के फ्रंट जो वर्टेक्स होगा वहां से जो है उस बेस पर जो परपेंडिकुलर होगा वही परपेंडिकुलर लिया जाएगा। अब आप सपोज करिए ट्रायंगल का एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ध्यान दीजिए, इक्वल टू सपोज करिए एसी को आप बेस लेना चाहते हैं, तो एसी इनटू, भाई देखिए अब इस एसी के फ्रंट का जो है वर्टेक्स बी है, तो बी से एसी पर आपको परपेंडिकुलर चाहिए, तो मैं जो है एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दे रहा हूं, जो कि बी से किस पर ड्रा कर रहा हूं, एसी पर, बी से देखिए मैंने परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। देखिए इस परपेंडिकुलर का नाम हम लोग एफ ले लें, चलिए
तो ये क्या हो गया? देखिए ध्यान दीजिए, ये बीएफ एसी पर परपेंडिकुलर मिल गया हमको, तो एसी इंटू बीएफ बाई टू बस हो गया आपका। तो इस तरह से एरिया जो है, या मैं फिर एक बार रिपीट करूं कि एरिया में आप क्या करेंगे, बेस जो भी लेंगे उसके फ्रंट का जो भी वर्टेक्स होगा, ट्रायंगल की बात मैं कर रहा हूं, तो उस वर्टेक्स के से उस बेस पर परपेंडिकुलर, तो बेस इनटू परपेंडिकुलर अपॉन टू, तो ये चीज आपको फॉलो करनी पड़ेगी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप लोगों को ध्यान देना होगा। बेस कुछ भी लीजिए आप, उससे हमको मतलब नहीं है। एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखते समय उस ध्यान देना है। देखिए आप देख ध्यान दीजिए, सपोज करिए ये ट्रायंगल आपका एबीसी, देखिए एक्चुअल में इसको बोलते हैं आप ट्यूस एंगल ट्रायंगल, तो एबीसी है, देखिए एबीसी, हमको इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी लिखनी है। अब आप सोचिए बेस हमें बीसी लेना है, बेस हमें बीसी लेना है, चलिए तो बीसी इंटू, अब देखिए बीसी पर इसके फ्रंट का वर्टेक्स ए है, देख लीजिए इसके फ्रंट का वर्टेक्स ए है, तो ए से हमको इस बीसी पर परपेंडिकुलर चाहिए। बताइए आप इधर कहीं भी ऐसे जो है ड्रॉ करेंगे तो परपेंडिकुलर होगा ही नहीं, जबकि हमको कंडीशन है इसी ए से बीसी पर जो है परपेंडिकुलर चाहिए। तो इस केस में क्या किया जाता है कि बीसी को, भाई देखिए, तो सीबी को एक्सटेंड कर दिया जाता है, सीबी को एक्सटेंड कर दिया जाता है, और यहां से देखिए ये आपका इसका सपोज करिए पॉइंट डी है, तो एडी विल बी परपेंडिकुलर। देखिए आप देख, मैं कई बार इस बात को कह रहा हूं कि ध्यान दीजिए हमने क्या किया है, बीसी को बेस लिया है, तो जब बीसी को बेस लिया तो इसके फ्रंट का वर्टेक्स ए है, तो ए से हमको बीसी पर परपेंडिकुलर चाहिए। तो थोड़ा सा देखिए ध्यान दीजिए, ऑब्ट्यूस एंगल के केस में ये ऑब्ट्यूस एंगल है, तो जब ऑब्ट्यूस एंगल बना होता है किसी भी ट्रायंगल में, तो थोड़ा सा ये जो है, ये जो बेस अगर आपने ले लिया तो इसका परपेंडिकुलर ट्रायंगल से बाहर चला जाता है, तो कोई बात नहीं। इस सिचुएशन को देख लीजिए, इसको देखिए, ये जो परपेंडिकुलर है जो ऑब्ट्यूस एंगल बना है उससे देखिए बाहर गया है, चलिए तो यहां पर एडी हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, एडी बाई टू। अच्छा इसी ट्रायंगल का एरिया सपोज करिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, अगर मान लीजिए देखिए एसी को बेस लेना है, टाइम देखिए, टाइम बिताने की जरूरत नहीं है, इसको तो आप समझ गए हुए, एसी इंटू, देखिए एसी को हमने बेस लिया तो इसके फ्रंट का जो है वर्टेक्स बी है, अच्छा इसके जो फ्रंट का वर्टेक्स बी है तो इससे इस पर क्या कर देंगे, परपेंडिकुलर, तो दैट बी डी, मान लीजिए दैट इज परपेंडिकुलर आपका क्या है, बी डी है, तो ये हो गया बी डी बाई टू, बस हो गया। तो इस तरह से आप, अरे भाई बेस किसी को भी मान सकते हैं, बट परपेंडिकुलर जो है उसके फ्रंट वाले जो वर्टेक्स होगा उसी से बेस पर परपेंडिकुलर चाहिए। देखिए अब हम आपको आगे जो है थोड़ा सा और इसमें स्टडी कराना चाहेंगे, और इस बात को बहुत ही ध्यान से आप लोगों को समझना होगा। देखिए सपोज करिए ये जो आपका ये जो ट्रायंगल है, देखिए सपोज करिए कि ये ट्रायंगल, ये भी तो ऑब्ट्यूस है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल ये भी है, अरे भाई अभी हमने इसको ऐसे बनाया था, भाई इसका जो है इसको हमने क्या कर दिया, थोड़ा अपोजिट कर दिया, कोई बात नहीं, ट्रायंगल आपका जो है किसी भी तरह जो है घूम सकता है, तो मैंने इसको घुमा दिया, चलिए ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है,
एरिया ऑफ, ध्यान दीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एबीसी। अब देखिए क्वेश्चन फिर यही उठेगा कि बेस आप किसको लेना चाहते हैं, तो बेस एबी को लेना है, बेस एबी को। तो देखिए एबी इंटू, देखिए एबी को बेस लेंगे है आप, तो इसके देखिए एबी, एबी को बेस मैंने लिया, ठीक है, तो इसके फ्रंट का वर्टेक्स ये है, सी है, तो सी से एबी पर हमको क्या चाहिए, परपेंडिकुलर, जो कि देखिए इन इसके बीच में तो मिल ही नहीं सकता, इसलिए इसको एबी को हम लोग एक्सटेंड कर देंगे, क्या कर देंगे, देखिए एक्सटेंड कर देंगे, और यहां से डाल देंगे परपेंडिकुलर। सपोज करिए ये आपका डी पॉइंट है, तो देखिए एबी इंटू सी डी बाई टू हो गया आपका एडी इंटू, देखिए अरे भाई ये जो है सीडी आपका परपेंडिकुलर है, तो आप इस तरह से आप क्या कर लेंगे, जो है अभी अभी हमने बताया था कि जो आपको इस केस में परपेंडिकुलर मिलेगा, ये जो ऑब्ट्यूस एंगल है उससे बाहर मिलेगा, ट्रायंगल के अंदर नहीं मिलेगा, ट्रायंगल के अंदर नहीं मिलेगा। तो इस तरह से आपको समझना पड़ेगा। देखिए मैं आपसे कितनी बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इस बात को समझिए। सपोज करिए देखिए आपका ट्रायंगल जो है ये ऐसे है, चलिए तो क्या फर्क पड़ता है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, इसका एरिया हमें लिखना है, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी लिखना है, तो इक्वल टू बेस क्या लेना है, तो बीसी लेना है, चलिए तो बीसी लेना है, तो बीसी इंटू, देखिए फिर वही कहानी, बीसी के फ्रंट का जो वर्टेक्स है ये है, अब ये से यहां पर तो परपेंडिकुलर पड़ ही नहीं सकता, तो इसको क्या करेंगे, एक्सटेंड कर देंगे, इसको क्या कर लेंगे, देखिए आगे बढ़ा लीजिए, अब सीबी को आप एक्सटेंड कर लीजिए, और यहां से परपेंडिकुलर अब आपको मिल गया, ये देखिए ये 90 डिग्री है, ये कितना है 90, और इसका नेम जो है डी कर लीजिए। तो देखिए आप बीसी को क्या लिया, देखिए बीसी को बेस लिए, तो एडी आपका परपेंडिकुलर मिल गया, एडी एडी बाई टू, बस। तो इस तरह से आपका जो है, अच्छा अगर आप किसी, मान लीजिए इस साइड को बेस लेना चाहते हैं, तब तो आपको ठीक है यहां से परपेंडिकुलर मिल जाएगा। तो एक्चुअल में आप ऑब्ट्यूस एंगल के केस में आपका जो परपेंडिकुलर है वो ट्रायंगल के बाहर चला जाता है, बस थोड़ा सा इस बात को ध्यान रखिए। एक्चुअल में हमें हमेशा ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करते समय बेस इंटू हाइट अपॉन टू, बस हाइट क्या है ये बार बार मैं बताया हूं कि बेस के फ्रंट वाला जो वर्टेक्स है वहां से बेस पर परपेंडिकुलर, बस। अब सपोज करिए देखिए मैं एक चीज और बताना चाहता हूं, ध्यान दीजिए, सपोज करिए ये आपका, देखिए जरा इसको फिगर को बनने दीजिए, ये आपका क्या है, ये सपोज करिए ये इस तरह से फिगर बना है, हम कंडीशन दे रहे हैं दिस पैरेलल टू दिस, देखिए ध्यान दीजिए, अरे भाई आपका ए बी जो है ए बी सी एंड डी, तो ए बी लाइन पैरेलल टू, देखिए अगर हम एरो मार देते हैं इस तरह से, इसका मतलब ये शो करता है कि ये लाइन पैरेलल है, बट देखिए ये और ये पैरेलल नहीं मैं बोल रहा हूं, देखिए एक्चुअल में आप कंफ्यूज ना करिएगा, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, इसीलिए मैं फिगर को थोड़ा चेंज कर लिया, देखिए ये लाइन और ये लाइन आपका, देखिए पैरेलल मैं नहीं बोला हूं, चलिए कोई बात नहीं। अब जब दो पैरेलल लाइन, देखिए हम लिख देते हैं ए बी पैरेलल टू, देखिए सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी, क्लास नाइन्थ में आप पढ़ चुके हैं, क्लास नाइन्थ में आप पढ़ चुके हैं कि देखिए अगर दो पैरेलल लाइन के बीच में सेम बेस पर, ध्यान दीजिएगा बेस सेम होना चाहिए, तो देखिए एक्चुअल में हम जो ये बेस को
डार्क कर रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, बेस को हम क्या कर दिए हैं, डार्क कर दिए। चलिए देखिए, इसी बेस पर अगर टू ट्रायंगल सिचुएटेड हो और कहां दोनों पैरेलल लाइन के बीच में, तो दोनों का एरिया इक्वल होता है, ये क्लास नाइन्थ में आप पढ़ चुके हैं। इसका मतलब इस बेस पर जरा ध्यान दीजिए, ये जो ये देखिए, ध्यान दीजिए ये जो ट्रायंगल मैं ड्रॉ कर रहा हूं, देखिए ये जो ट्रायंगल है किस बेस पर है, ए बी बेस पर, और देखिए ये पैरेलल लाइन को टच कर रहा है। चलिए दूसरा ट्रायंगल जरा ध्यान दीजिए, बेस यही है, ये देखिए रेड कलर से मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूं, देखिए जरा ध्यान दीजिए, देखिए ये ट्रायंगल एक आपको दिखाई दिया भाई, देखिए बेस सेम है, तो ये जो ट्रायंगल है और जो ये वाला ट्रायंगल है जो ब्लैक कलर से जो है, ये देखिए ये आपस में क्या होंगे, इसके एरिया इक्वल होंगे, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, ध्यान दीजिए एबीसी, वेरी इजी, बहुत इजी। मैं इसको आपको थोड़ा सा और जो है एक्चुअल में ये देखिए आपको और क्लियर हो जाएगा। देखिए मैंने इसको सेडेड कर दिया, और वो जो ट्रायंगल है जो दूसरा वाला एबीसी, इसको भी हम जो है देखिए एक्चुअल में इसको भी हम देखिए ये जो है सांप बना दे रहे हैं इसके अंदर, देखिए ध्यान दीजिए देखिए ये जो है आपका, कुछ बच्चे लोग बोलेंगे कमेंट में, नहीं सर वो तो आपने चाउमीन बनाया था, मैगी बनाया था, चलिए ठीक है कुछ भी हो, बट देख लीजिए ये जो ट्रायंगल है, ये देखिए ध्यान दीजिए चाउमीन वाला ट्रायंगल, ये इसका एरिया और ये जो आपका एबीडी वाला एरिया, दोनों इक्वल होगा। हाँ एक चीज मैं बता दूं, इतना पार्ट दोनों में कॉमन है, देखिए ये वाला एरिया इसका नाम ले लेते हैं, चलिए एओबी दोनों में का, उससे आपको क्या मतलब है, उससे यहां पर अभी कोई मतलब नहीं है। अगर हमने बेस, देखिए ध्यान दीजिए, अगर बेस याद कर लीजिए, अगर बेस हमने देखिए डीसी को ले लिया, तो इसका मतलब ये हुआ, देखिए डीसी बेस पर आपका ये ट्रायंगल जो है, आपका डीसी बेस पर ये ट्रायंगल होगा और दूसरा ट्रायंगल डीसी बेस पर, देखिए बेस डीसी होना चाहिए, तो दूसरा ट्रायंगल आपका देखिए ये वाला ये ट्रायंगल होगा। तो इसको हम लोग उस बार भी देखिए, इसको हम इसमें चाउमीन बनाए थे, तो देखिए ये जो है, देखिए सेम बेस पर ये ट्रायंगल है और ये दूसरा वाला भी देखिए, ध्यान दीजिए एक्चुअल में ये भी जो है, ध्यान दीजिए सेम बेस पर भी है। अगर इसको थोड़े देर के लिए आप मिटा दें, तो देखिए आप देख लीजिए कि दो इस तरह से, देखिए स्ट्रक्चर को देखिए, एक्चुअल में इसका एरिया एडीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी विल बी इक्वल टू, क्लियर समझिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीसीबी एरिया ऑफ ट्रायंगल डीसीबी, देखिए डीसीबी, तो इस तरह से आपको ये क्लियर हो गया होगा। देखिए ये बार बार, अच्छा हाँ
इसको फिर देखिए, मैंने आपको ये लाइन जो है दिखाने के लिए, देखिए यहां पॉइंटेड बनेगा, यहां भी पॉइंटेड बन दे जाता है। उस केस में अगर यहां पर देखिए मिटाए होते तो यहां पॉइंटेड और इस पॉइंट जो अभी पहले बनाए थे, अब फिर इसको आपको मैं जोड़ करके दिखा दे रहा हूं। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं बहुत कलाकार आदमी हूं, कभी इसको हटा भी दे रहा हूं, कभी इसको बना भी दे रहा हूं। तो देखिए मैं बार बार कह रहा हूं कि आपको इसको समझना होगा, ये जो भी बात है आप समझना होगा। तो इसका मतलब दो पैरेलल लाइन के बीच अगर टू ट्राइंगल सेम बेस पर सिचुएटेड हो तो उनके एरिया इक्वल होते हैं। बस ये बात ध्यान रखिएगा।